दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत रेगुलर छात्र जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो छात्र हैं उन सभी के 2021 के जो एग्ज़ाम हैं इस वर्ष जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो लगभग ओपन बुक के माध्यम से होने वाले हैं, जिसमें SIS रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो सभी स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रेगुलर स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए SIS स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तभी आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट बन पाएगा। तो इसमें आप SIS रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी के लिए हम आपको ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत रेगुलर छात्र हैं और किसी भी विद्यालय अपने कॉलेज में अध्ययनरत हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का जो है पोर्टल हमने MP ऑनलाइन के माध्यम से ओपन किया हुआ है। इसकी डायरेक्ट वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर cuc.mponline.gov.in की वेबसाइट पर आप यहाँ से पहुँच सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ पर MP ऑनलाइन टाइप करके भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे MP ऑनलाइन टाइप करते हैं और हम MP ऑनलाइन का होम पेज ओपन करते हैं, जैसे ही होम पेज ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे नागरिक सेवाओं के ऑप्शन पर जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे विश्वविद्यालय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं CUC यानी छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको इस टाइप का एक पेज खुल के आ जाता है जिसमें हमें यहाँ पर इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे चलना है। जैसे हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम SIS रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन जिन भी विद्यार्थियों के ओपन बुक ओपन से एग्ज़ाम होने हैं उन सभी को करना अनिवार्य है। और यूनिवर्सिटीज़ की जो है डेट यहाँ पर आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं। और इस कॉलेज की अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन भरने होते हैं। सबसे पहले आपको इनरोलमेंट नंबर डालना होता है, दूसरे में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड भी लिखना होता है। इसके बाद सर्च बटन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप से जो है आपका प्रोफाइल खुल के आ जाता है। जैसे ही प्रोफाइल खुलता है आप यहाँ अपनी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करना है, यहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। ब्लड ग्रुप लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे लिखना है। ये बहुत ध्यान से करना है क्योंकि जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं और फॉरगेट करना होता है तो ये ऑप्शन आपसे पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर बर्थ सिटी करें, यहाँ पर आप अपने शहर का नाम लिखें, जिस शहर में आप जो यहाँ पर आंसर डालना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड सरल पासवर्ड बनाना चाहें वो बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुँचेगा जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप MP ऑनलाइन के उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है प्रिंट कर सकते हैं और रख सकते हैं। इतनी प्रोसेस आपको SIS रजिस्ट्रेशन में करनी है। इसके अलावा अगर आप हमसे और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।